नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 पर चर्चा जारी रखते हुए उत्साहान निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। कल की कक्षा में हमने उत्साह के विषय में चर्चा की, तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम कल नहीं पढ़ पाए थे उस संदर्भ में, तो वो पढ़ते हैं। तात्पर्य भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। उर्मी उर्मी मतलब एक्चुअली प्रभुपाद का इंग्लिश इसमें है इक्स्टेसी, लेकिन उर्मी का मतलब लहर होती है ना, वेव, तो ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। इक्स्टेसी काल्पनिक, इमेजिनेटिव इक्स्टेसी मतलब भाविभोर हो जाना केवल कल्पना से, वो नहीं है भक्ति का अर्थ। भक्ति इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है, व्यावहारिक सक्रियता है जो हमने कल डिस्कस किया, एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियाँ इस प्रकार हैं। तो वो क्या क्या अनुशीलन करना है उसके जो मुख्य अंग हैं वो बताए जा रहे हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा। पहला, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। दूसरा, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। तीसरा, भगवान का स्मरण करना। चौथा, भगवान के चरणों की सेवा करना। पाँचवा, अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा, भगवान को नमस्कार करना। सातवा, भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठवा, भगवान के साथ मित्रता करना। नवा, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद्गीता 4:34 में संस्तुति की गई है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विज्ञानार्थम स गुरु अभिगच्छेत। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए?
इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, कृष्णार्थ अखिल चेष्टम। फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद्गीता में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्व अवस्थिता। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन जो प्रभुपाद यूज करते थे, यंत्र पता है आपको, प्रभुपाद जो तात्पर्य सब ये हम देख रहे हैं, ये प्रभुपाद बोलते थे और एक मशीन में वो रिकॉर्ड होते थे, उसका नाम था डिक्टाफोन। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या संसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि जल अग्नि वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क या सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानी सर्वभूतानी के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति में कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावना मृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ये हमने कल देखी परिभाषा। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के सेवा में किया जा सके। निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद बताए कि उत्साह मतलब सभी अपने जो साधना भक्ति के क्रियाएं हैं, अनुशीलन जिससे भी हो सकता है, जो भी अनुकूल है उसको भगवान की सेवा के लिए, जो भी अनुकूल है उसको उत्सुकता से करना, वो उत्साह कहलाता है। और गुरु के निर्देशन में हम सामान्य रूप से जो भौतिकतावादी लोगों की चीज़ें हैं उसको भी हम युक्त वैराग्य सिद्धांत के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ऐसा शिल्प बताए। फिर अभी अगला विषय है 6 चीज़ें जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं। निश्चय, निश्चय निश्चय निश्चित होना, स्पष्ट संशय से रहित होना। निश्चय का उल्टा है संशय। तो इसलिए भगवद्गीता में भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ अश्रद्धधाना और संशयात्मा, तो डाउटफुल संशय, तो इसके विपरीत है निश्चय होना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमें भक्तों को निर्देश दिया है कि हमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन के विषय में जो भी सिद्धांत हैं उसको समझ करके निश्चित अवस्था में आ जाना चाहिए, संशय से रहित हो जाना चाहिए। तो संशय से निकलने के लिए क्या करना होगा, सिद्धांतों में को सुन करके और भक्ति सेवा करके सिद्धांतों को समझना होगा, तो संशय समाप्त होंगे। तो इसीलिए भक्तों को सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सिद्धांतों को जानने में आलस्य नहीं करना चाहिए, हर चीज को सही समझना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं वो सब ज्ञान की तलवार से उन सभी संशयों को काटने का प्रयास करना चाहिए। और उसके उपरांत जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है अंततः समस्त जो छिद्यन्ते सर्व संशयः, सभी संशय जो हैं वो नष्ट होते हैं, अंततः भक्ति की प्रगति जैसे शुद्धि होती है। तो इसके संबंध में
जो दशमूल तत्व हैं, जो सार है, समस्त समस्त संबंध अभिधेय प्रयोजन के सारे तत्वों का एक सार है, दशमूल तत्व। भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसको संकलित किया है, दशमूल तत्व, दस ये ज्ञान के विषय जिसमें सार रूप में संबंध अभिधेय प्रयोजन प्रस्तुत है, तो उसमें उसका हमें उसकी सही समझ होनी चाहिए। तो उसमें से पहला है, दशमूल तत्व में पहला है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति वचन, शास्त्रों के वचन हैं, वो परम प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। बहुत प्रकार के प्रमाण हैं शास्त्रों में भी, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमा का प्रमाण है इत्यादि, लेकिन उन सभी, वो सभी जो प्रमाण हैं वो केवल ये जो स्वतः सिद्ध प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, इसको केवल सहायता कर सकते हैं, वो अपने आप में किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रमाण मतलब कोई भी ज्ञान वो सटीक है, वो वास्तव में ज्ञान है, वो वास्तव में सही है, ट्रुथ है, सच है। इस बात को कैसे समझें कि जो भी हम दिख रहा है या जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी प्रस्तुत है, क्या वो सही है या गलत है, क्या वो रियली ट्रुथ है, क्या वास्तव में सच है या नहीं है, इसको बोलते हैं प्रमाण, एविडेंस। तो उसके अंतर्गत जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्र सुने आते हैं वो वास्तव में परम प्रमाण है, और परम प्रमाण है क्योंकि वो स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा हम तक पहुंचता है, और क्योंकि भगवान सभी के रचयिता हैं इसलिए वो वास्तव में परम प्रमाण है और स्वतः प्रमाण है। यानी कि वो, उसे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, वो स्वतः जो भी है वो खुद अपने आप में प्रमाण है। जैसे सूर्य का उदाहरण बहुत ही जगत में हम ले सकते हैं, तो हमारे इस बद्ध अवस्था के परिप्रेक्ष्य में सूर्य की उपस्थिति को आकाश में जानने के लिए हमें क्या प्रमाण की आवश्यकता है? सूर्य स्वयं अपने आप को रिवील करता है, अपनी इच्छा से आता है क्षितिज पे, और फिर खुद वो प्रकाश देता है जिससे हम न केवल सूर्य बल्कि हर चीज को देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य को देखने के लिए हमें और अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि सूरज ही सभी अन्य प्रकाशों का स्रोत है जिससे सब अन्य चीज भी उद्घाटित होती है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण है स्वतः प्रमाण का। तो उसी प्रकार से ये शास्त्रों के वचन जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं वो इस प्रकार से स्वतः सिद्ध प्रमाण है। अगर शिष्य सही प्रकार से इन गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो ज्ञान है उसका अनुशीलन करता है, तो एक दिन ये सब चीज़ें भी उसी प्रकार से उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगी, दिव्य प्रत्यक्ष, जैसे कि आज हमारी आँखों के सामने स्वतः सिद्ध सूर्य है, ऑब्वियस है, एक्सियोमेटिकली ट्रू है, उसके लिए और कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से वो जो भी शास्त्रों के कथन हैं वो स्वतः सिद्ध हैं, क्योंकि वो अपने को प्रमाणित कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। लेकिन किसके सम्मुख? जो व्यक्ति सही मार्ग में चल रहा है उसके लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर किसी आदमी की आँख ही खराब है तो सूर्य स्वतः सिद्ध प्रमाण है, लेकिन उस आदमी को सूर्य नहीं दिखेगा। अभी वो समस्या उसकी आंखों में है, प्रमाण तो स्वतः सिद्ध है, सबको दिख सकता है, इजीली ऑब्वियस है, लेकिन जिसको कैटरेक्ट है, जिसकी आंखें खराब हैं, उसको नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार से ये शास्त्र जो है वो भी स्वतः सिद्ध है, कृष्ण है, यस, प्रेमांजन छोरिता भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय शुभिलोकयंती, स्पष्ट रूप से भक्तगण साक्षात अपने हृदय में भगवान को देख सकते हैं, लेकिन वो जिनका हृदय शुद्ध है। तो इसलिए इस प्रकार से शास्त्रों में ये प्रणाली दी है जिससे कि हम सभी साक्षात भगवान की सेवा के अंतर्गत रह करके साक्षात अपनी दिव्य इंद्रियों से उनकी दिव्य इंद्रियों के संपर्क में आ सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो ये पहला तत्व है दशमूल तत्व का। उसके बाद फिर इस आधार पे, इस आमने प्रमाण से, इस शास्त्रों के प्रमाण से अन्य नौ चीज़ें उद्घाटित होती हैं, वो व्यक्त होती हैं, स्थापित होती हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट मतलब, हाँ, जैसे
शास्त्र का कथन है कि मान लीजिए गाय का गोबर शुद्ध होता है, तो अभी हम लेबोरेटरी में गोबर चेक करें, गोमूत्र, और उससे फिर पता लगाएं हाँ, एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो वो हमने अभी प्रत्यक्ष रूप से जो पता लगाया कि गाय के मूत्र और गोबर में ऐसी शुद्धकारी क्रियाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गुण हैं, तो वो फिर जो ऑलरेडी शास्त्र में दिया था वो उसके सपोर्टिव है, यानी वो तो अपने आप है ही, ये फर्दर हमको हेल्प कर रहा है, जो लोग खुद उसको नहीं जान सकते उसके लिए ये एक प्रकार से उसका अर्थ हो सकता है। और दूसरा, जैसे हम शास्त्रों को अपने दिनचर्या डे टू डे लाइफ में उपयोग करते हैं, तो जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं, मतलब मैं तो वो तो एक प्रकार से मैंने बता ही दिया, प्रत्यक्ष कैसे सपोर्टिंग हो सकता है, कौन सा 24 गुरु वाला उदाहरण, हाँ मतलब उसमें क्या सीख लिया, हाँ तुरंत जाग जाना चाहिए, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन वो सुना हुआ है ऑलरेडी, उसको सपोर्ट कर रहा है और वो हमको उत्साह देता है, हाँ या वो कह सकते हैं, यस। पहला तत्व है कि प्रमाण क्या है, सर्वोपरि प्रमाण, स्वतः सिद्ध प्रमाण क्या है, वो पहले स्थापित हुआ है, कि शब्द प्रमाण आम नए प्रमाण, एक्चुअली शब्द भी जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है वो वास्तविक प्रमाण है, परम प्रमाण है, अन्य सभी जो प्रमाण है वो उसके अंडर में होने चाहिए, उसको केवल सिद्ध करने के लिए, उसके परिपेक्ष में हम अन्य चीजों को देख सकते हैं। संधि वो तुम ये नहीं बता, संस्कृत आई डोंट नो, बैठे जानते हैं ओके। तो बाकी और जो तत्व हैं, अभी ये कक्षा में हम उनके ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल मैं उसको पढ़ रहा हूं। दूसरा है कि कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो परम सत्य है, परम सत्य की पराकाष्ठा है, ये दूसरा तथ्य है, दशमूल तत्व, ये दूसरा तत्व है। क्या हाँ है, मैंने लिखा नहीं, मुझे याद तो है नहीं, वो आमनाएं शुरू होता है वो, फिर पूरा श्लोक है वो। कृष्णा उनकी अनेक 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 शक्तियां हैं, कृष्णा शक्तियों से ओतप्रोत हैं, परास्य शक्तिर विविधैव शूयते, ऐसे सभी शास्त्रों के वचन से ये 10 जो है उन्होंने तत्व ऐसे संकलित किए। फिर कृष्णा इज द ओशन ऑफ रसा, कृष्ण जो हैं सभी रस के सागर हैं, स्रोत हैं, जो भी हमारे जीवन में किसी भी अवस्था में जो भी हमको रस प्राप्त होता है उसके मूल स्रोत श्री कृष्ण हैं। जीव तत्व के बारे में ये 5वां तत्व है, जीव जो है वो भगवान के विभिन्न नामश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। बद्ध अवस्था में जीव भौतिक पदार्थ के नियंत्रण में रहते हैं अपनी तटस्थ अवस्था के कारण, तो 6ठा तत्व है बद्ध जीव का तत्व क्या है। 7वां है मुक्त जीव तत्व, मुक्त जीव की अवस्था में क्या है, तो मुक्त जीव जो है वो भौतिक पदार्थों के वश में नहीं रहते हैं, अंतरंग शक्ति के वश में रहते हैं तटस्थ स्वभाव के कारण। 8वां है जीव और भौतिक जगत भगवान के समान हैं भी और साथ साथ असमान भी हैं, अचिंत्य भेद अभेद, भौतिक जगत और जीव भगवान के समान भी हैं और समान नहीं भी। 9वां प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति सेवा, वो जीवों का की साधना है, परम साधना, वास्तविक साधना यही है। और 10वां
कृष्ण प्रेम वो साध्य है। तो अभी ये दस मूल तत्वों में जो ये नौ हैं तत्व, इसमें से संबंध ज्ञान संबंधी कौन से हैं, अभिधेय संबंधी कौन से हैं, प्रयोजन संबंधी कौन से हैं, अभिधेय और दसवा, उसी प्रकार से षट संदर्भ में आप देखेंगे जो जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे गए हैं उसमें भी संबंध अभिधेय प्रयोजन का वर्णन है। तो उसमें चार जो संदर्भ हैं वो संबंध ज्ञान के विषय में है, एक अभिधेय और एक प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान को भली भांति जानना बहुत जरूरी है। अभिधेय को कुछ हद तक वर्णन है और फिर अभिधेय धीरे धीरे इंडिविजुअल भी होता है, इसलिए वो स्वयं भगवान के उसके द्वारा भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानने की आवश्यकता है, सबसे विस्तार जो है वो संबंध ज्ञान का है। इसलिए आचार्यगण भी और सबसे पहले संबंध ज्ञान से शुरू होता है, अभिधेय और प्रयोजन से पहले संबंध ज्ञान आता है, उसके बिना अभिधेय प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक संबंध ज्ञान नहीं। और इसी प्रकार से आप देखें तो श्रील प्रभुपाद सबसे ज़्यादा जो किस विषय बोलते हैं प्रवचनों में या पुस्तकों में, संबंध ज्ञान, बा संबंध ज्ञान। तो ये सब तत्वों को भली भांति जानने से हमारे अंदर निश्चय आएगा, तो उत्साह निश्चयात यानी संशय से रहित हो जाना। फिर ये जो निश्चय होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में और एक क्या आवश्यक है गुण, धैर्य, अविश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, ये धैर्य का बेसिस है। भक्ति में वर्ग रखें या मेटीरियली रक्षा करें, कौन सा विश्वास हमारा मेन? भगवान सब कुछ जानते हैं ना, और वो सर्वोपरि हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। एक भक्त को किस तरीके से वो इसको रखना? अल्टीमेटली हमारा तो जीवन एक आध्यात्मिक ही एक होता है, उसके हमारे दो विभाग इस तरह से नहीं बटे होते हैं। तो भौतिक तो स्वाभाविक है, जो भक्ति के लिए जरूरी है वो भगवान देंगे। अभी उसमें यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद् धनं शनि शनि भी हो सकता है और देना भी हो सकता है, पर वो दोनों ही हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हैं, इसलिए वो कृष्ण रक्षा करते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। अब वो ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, वो जानते हैं, ये रक्षण है। ऐसा नहीं जो हम मांगते हैं या हम सोचते हैं कि हमें चाहिए उसका रक्षण भगवान करेंगे। भौतिक कोई चीज़ हम सोचते हैं कि हमें ये, भगवान ये तो हमें चाहिए, लेकिन भगवान को लग रहा है नहीं ये तुम्हें नहीं, तुम्हें छीननी है तुमसे ये चीज़, तो वो छीन लेंगे। फिर ये जो रक्षा की जो बात आती है, सभी हम लोग यही सोचते हैं कि मटेरियली रक्षा करें, मतलब, लेकिन वो है ना उसके अंदर मटेरियली रक्षा है ना। भगवान देखिए जो भी आवश्यक है आध्यात्मिक विकास के लिए वो रक्षण करेंगे। अभी जैसे पिता चाटा मारता है तो वो भी तो खाना भी देता है, चाटा ही मारता है, दोनों काम करता है, तो उसको पता है कब क्या करना है। तो उसी प्रकार से वो पिता हैं तो भौतिक जब आवश्यकता है तो देंगे भी और जब लेना है तो लेंगे भी, तो इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है, इट्स वन पैकेज, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि वो उनको पता नहीं है कि हाँ क्या भौतिक आवश्यकता है क्या नहीं, क्या ही नोज एवरीथिंग। सो योग क्षेमम वहाम्यम, योग क्षेम सब सुमन पैकेज। मेरा पॉइंट ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से क्या है, एक भक्त को ये रक्षिष्यति विश्वास हो, वो उसको किस प्रकार से, मतलब देखिए हम लोग मटेरियली सोचते हैं कि मेरे को रक्षा करेंगे कोई भी अवस्था, पर हम मटेरियल क्या चाहते हैं, वही ना जो हमारी भक्ति के लिए आयु है। नहीं नहीं, पर क्यों चाहते हैं वो, हम आयु क्यों चाहते हैं ये बताइए। केवल इसीलिए जिससे हम भक्ति कर सकें, अन्यथा तो भक्त को आयु क्यों चाहिए। हम धन क्यों चाहते हैं, इसीलिए जिससे कि शरीर का निर्वाह हो सके, जिस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकें। तो हमारा तो बहुत ही चीज़ को प्राप्त करने के पीछे, भगवान की सेवा को प्राप्त करने के अन्यत्र और कोई प्रयोजन होता ही नहीं है। मुझे रक्षा करेंगे मटेरियली हम सोच लेते हैं, ऐसा लगता है वो बेटर है कि हमें भक्ति में
रक्षा करेंगे उनसे, वो नहीं। फिर हम इसका मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना। फिर हम सोच रहे हैं मेटीरियली मुझे कुछ अपने लिए चाहिए, एग्जैक्टली कृष्ण की सेवा के लिए ही केवल जो चाहिए वो नहीं, हमारा उससे अलग हम देख रहे हैं भौतिक चीज़ों को। ये मुझे चाहिए, मुझे इतना कंफर्ट चाहिए, किस लिए? भक्ति के लिए, मुझे अपने लिए चाहिए। फिर ये दिमाग में ऐसे दो आएंगे कि फिर कहीं हम भौतिक चाहिए तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम एक ही चीज़ हमारे लिए भौतिक का अपना और कोई प्रयोजन नहीं है, भौतिक का प्रयोजन केवल यही है कृष्णार्थ अकेला चेष्टा, कृष्ण के लिए ही वो जो आवश्यक है उतना ही, शरीर को केवल कृष्ण की सेवा के लिए टिकाना, अगर ये सिंगल पॉइंटेड हमारी है लक्ष्य, तो फिर ये दो में बटेगा ही नहीं, नहीं? धैर्य। तो धैर्य शब्द के भक्तिवन ठाकुर दो अर्थ बताते हैं। एक धीर होना और दूसरा साधना करते समय फल देर से मिलने पर भी विचलित नहीं होना। दो अर्थ इसके बताते हैं। तो पहला जो अर्थ है यानी कि धीर होना, तो धीर होना यहाँ पर उसका अर्थ है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये सारे वेगों को से जो विचलित नहीं होता है उसको धीर कहते हैं, है ना? जैसे भगवद्गीता में धीर शब्द कहाँ पर आया है? देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, जो मोहित नहीं होता है अलग अलग परिस्थितियों में उसको धीर कहा गया है। तो उसी प्रकार से तो वैष्णवाचार्य को यहाँ पर एक उद्धरण देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भजीबा काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करीबा यथा तथा। तो ये सब जो छह वेग हैं जो पहले श्लोक में बताए हैं, कैसे उसको भगवान की सेवा में नियोजित करके उसको हम सहन करते हैं और उससे धीर बनते हैं, ये प्रोसेस है उन वेगों को सहन करने का और धीर बनने का। और दूसरा जो धीर का अर्थ है वो है कि साधना हम कर रहे हैं तो भी वो लंबी चलती रहती है, चलती रहती है, तो कई बार फिर हम लोग विचार करने लगते हैं बहुत दिन हो गए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम जो है वो कृष्ण कर्म में अर्पित करना, यानी कि हमें काम है कि एक बहुत बड़ा घर बनाना है लेकिन उसकी जगह कृष्ण का बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बनाना है, इसमें काम को कृष्ण कर्म में लगाना। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध को भक्तों के द्वेषी के ऊपर निकालना। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ को साधु संग में, साधु संग करने का लोभ में उसको परिणित करना है। मोह इष्ट लाभ विने, भगवान अगर नहीं मिलेंगे उस दशा में मोह बिविल्डर्ड, मतलब भगवान के वो व्याकुलता जो है वो भगवान के ना मिलने के प्रति वो बिविल्डरमेंट लगाना, यानी भगवान नहीं मिलेंगे तो हम पागल जैसे हो जाएंगे, यानी वो सेपरेशन मूड। मोह इष्ट लाभ विने, विने विने बिना, इष्ट लाभ विने। मद कृष्ण गुणगाने, मद मैडनेस वो किसमें? कृष्ण गुणगान, कृष्ण के गुणगान करने में वो पागलपन, मदमस्त होना। नियुक्त करीब यथा तथा, इस तरह से मैं इन सब वेगों को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब चीज़ों को, मत्सर नहीं है, इन सब चीज़ों को लगाते हैं। फिर तो हाँ दूसरा भी कि धैर्य, तो ये अक्सर हम देखते हैं, ये हम सबको बहुत सताता है कि एक साल दो साल तीन साल चार साल पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर धीरे धीरे कभी कभी विचार आता है कब तक चलेगी ये अनर्थ निवृत्ति,
ये साधना कब तक चलेगी, अभी भी सिद्ध अवस्था नहीं आई। तो धैर्य का यही अर्थ है कि कृष्ण चाहे आज मुझ पर कृपा करें, चाहे 1,00,000 जन्मों के बाद करें, अनकंडीशनली हमने ठान लिया है कि हम उनकी सेवा करते रहेंगे। वो उनके ऊपर है कब वो अपने को प्रस्तुत करते हैं, इसको धैर्य कहते हैं ना। जैसे कौन थे चैतन्य चौतन्य में, मुकुंद भगवान ने जब उनको बहुत कई जन्मों का ठीक है इतने जन्मों के बाद, यानी कि हमारा जो ये धैर्य है वो कुछ सालों की बात नहीं है, वो अनकंडीशन है। जब तक कृष्ण नहीं उनकी जब तक इच्छा नहीं है, जब तक उसका कोई टाइम नहीं है, उसका क्या है कृष्ण इच्छा, ये उसका लिमिट है कृष्ण इच्छा, क्योंकि वही वास्तविकता है ना। हम तो कृष्ण की कृपा के प्रार्थी हैं, तो कृष्ण प्रार्थी मतलब तो वो कृष्ण के ऊपर है। वो हमारे ये सोचना कि इतना साल हो गया नहीं मिला, इसका मतलब क्या सोच रहे हैं कि ATM मशीन जैसा है, सही बटन दबाए, सही किया, ये भी सही है, फिर भी निकलता क्यों नहीं है। तो ये भक्ति जो है वो भगवान एक व्यक्ति हैं, परम व्यक्ति हैं, तो और ये उनका उनसे संबंध मांग रहे हैं ना। ठीक है, अगर कोई भौतिक चीज़ मांगते तो फिर भगवान ने मैकेनिकल वो ATM मशीन लगा रखी है वहाँ पर, फिर कुछ हद तक कि स्वर्ग लोग जाना है तो ठीक है ये कर्म करो, हालांकि उसमें थोड़ी भक्ति तो चाहिए, पर मोर और लेस वो ATM मशीन जैसा, इतना कर्म किया उससे आपको ये स्वर्ग जाने को मिल गया। लेकिन भगवान के साथ जो स्वयं अपनी संबंध है, रिलेशनशिप है, वो तो किसी भी यांत्रिक क्रिया से नहीं मिलती है। चाहे हम कितने जन्मों तक भी हरि नाम करें, ये विचार से कि इतने हरि नाम करने से भगवत धाम मिल जाएगा या भगवान का के एसोसिएशन, एक्चुअली वो सोचना तो मतलब एसोसिएशन मांग ही नहीं रहे हैं, फिर तो हम कुछ मुक्ति मांग रहे हैं शायद ही, क्योंकि एसोसिएशन तो क्लियर है ना, वो तो एक व्यक्ति का हृदय जीतने को हम सोच रहे हैं ना, तो वो तो उन्हीं के ऊपर है व्यक्ति। वो व्यक्ति जब प्रसन्न होगा तभी होगा, तो फिर उसमें कंडीशन आई नहीं। तो इस प्रकार से ये धैर्य कहलाता है। प्रभुपाद इसमें एक उपमा देते हैं, जैसे कोई वैवाहिक स्त्री है तो उसकी इच्छा हो सकती है कि तुरंत उसको संतान प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको धैर्य रखना पड़ेगा, करेक्ट, उसको अपने गृहस्थी के कार्य सब और पति की सेवा करते रहना होगा, और समय आने पर उसको संतान प्राप्ति होगी। केवल उसके चाहने से, केवल विवाह के तुरंत बाद उसको संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हम जब भक्ति सेवा करते हैं तो हमें केवल चिंता ये करनी कि मैं अपना कार्य सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जानने के लिए कि मैं अपना कार्य ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे हम लोग, ये जानने के लिए कुछ प्रगति होना, उसको अनुभव करना वो जरूरी है। लेकिन हम कि वो जो परम सिद्ध अवस्था है वो हमें अभी तक क्यों प्राप्त नहीं, और उसको ना प्राप्त करने के कारण निराश होना, वो दिखाता है कि हमारी निश्चय कम है, धैर्य कम है, हमें विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक और अर्थ धैर्य का है दृढ़ता, दृढ़ता फोर्टिट्यूड। जैसे कि इस विषय में एक भक्तियां सोसी महाराज उद्धृत करते हैं चैतन्य चैतन्य में, हरिदास ठाकुर का की दृढ़ता। तो जब हरिदास ठाकुर को वो काजी के लोग मार रहे थे ना 22 बाजारों में कोड़े से, तो वो लोग वो सब बोल रहे थे कि तुम हरिनाम छोड़ना बोलना बंद करो, तो उस विषय में वो बोलते हैं खंड खंड है देह याय यदि प्राण तबु आमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। अगर मेरा देह भी खंड खंड हो जाए और यदि प्राण भी निकल जाए तो भी मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग तो बहुत जल्दी ही हरिनाम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, थोड़ी विपदा आई, थोड़ा कष्ट आया तो बहुत हो गया है ना। बहुत से भक्त हैं जो भक्ति में आते हैं लेकिन फिर कुछ सालों के बाद में उनको लगता है बस अभी काफ़ी हो गया, अभी ठीक है, अभी और कुछ करते हैं।
तो उनका संकल्प तो दृढ़ नहीं है, और बिना ऐसे ऐसे संकल्प के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं होने वाले, है ना। ऐसे तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी नहीं मिलता है, इतने कम धैर्य से तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए भी कितना धैर्य चाहिए और कितना उत्साह चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हम भक्त लोग तो उतना उत्साह और उतना धैर्य और उतनी निश्चयता से कहाँ प्राप्त करते हैं, है ना। आप देखिए कोई ओलंपिक की जो तैयारी करता है वो क्या करता है, वो लोग 6-7 साल की उम्र से क्या खाना है, क्या उठना है, कब एग्जैक्टली वही चीज़ हर दिन पालन करना, नियमों का पालन करना सतत रूप से, बहुत कंट्रोल में उनको रहना पड़ता है, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस हर रोज़ कई कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जा कर के भी बहुत से लोगों में से किसी एक को ओलंपिक मेडल मिलता है। लेकिन हमने क्या समझा हुआ है कृष्ण प्राप्त करने का क्या है। ओलंपिक मेडल तो हर 4 साल में कितने लोगों को मिलता है, कितनी आई डोंट नो द नंबर्स, लेकिन आई थिंक एटलीस्ट शुड बी हंड्रेड्स। बहुत सारी प्रतियोगिता होती है ना ओलंपिक्स, तो हर 4 साल में इतने से लोगों को मिलता है। लेकिन कृष्ण प्रेम तो अति दुर्लभ है, और ये ओलंपिक मेडल तो एक टेम्परेरी चीज़ है, ख़त्म, लेकिन कृष्ण प्रेम तो उसका मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल के प्रयास से। तो इसलिए ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये आवश्यक है। फिर आगे अगला पद है तत्तत् कर्म प्रवर्तना, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तना। तो इसका अर्थ है भक्ति सेवा के जो अंग हैं, जो भी शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा सब वर्णित हैं, भक्ति साधना भक्ति के लिए जो जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हैं, उसके आधार पर जो सभी अंग हैं उसको करना, तत्तत् कर्म प्रवर्तना। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कुछ अंगों के विषय में स्वयं बता रहे हैं। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन्मद अनुकीर्तनम, श्रद्धामृत कथायाम में श्रद्धापूर्वक कथा सुनाना शश्वन्मद अनुकीर्तनम, अनुकीर्तनम मेरी गाथाओं का कीर्तन करना। परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम, स्तुति करना, स्तव आदर परिचर्यायाम आदर पूर्वक अर्च विग्रह सेवन करना। सर्वांगैर अभिवंदनम सभी अंगों से प्रणाम करना, अभिनंदन करना। मदभक्ता पूज्याभितिका, ये श्लोक हमने कई बार ये पद सुना है तो ये इस में आता है, मेरे भक्तों की विशेष पूजा, फर्स्ट क्लास वर्शिप प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट क्लास वर्शिप इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद ऐसे, फर्स्ट क्लास वर्शिप ऑफ माय डिवोटीज। मदभक्ता पूज्याभितिका, सर्वभूतेषु मनमति ही, सभी जीवों में मैं उपस्थित हूँ ये देखना। मदर्थेषु अंगचेष्टा च, मेरे लिए सभी अंगों को लगाना, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सभी अंगों को मेरी चेष्टा के लगाना। वचसा मद गुणेरणम, वचनों को मेरे गुणगान में लगाना। मई अर्पणम च मनसः, मन को मुझे अर्पित करना। सर्व काम विवर्जनम, सभी कामनाओं को छोड़ना, सर्व काम विवर्जनम, इसलिए भगवान इसको अंग बताए हैं, भौतिक इच्छाओं को त्यागना। मद अर्थे अर्थ परित्यागो, मेरे लिए अर्थ का परित्याग करना, धन को भगवान के लिए लगाना। मदर्थे अर्थ परित्यागो। भोगस्य च सुखस्य च, भोग और सुख की चीजों को छोड़ना, भगवान के लिए उसको त्याग करना। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः, तो जो भी दान हम देते हैं, हुत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत कर लेते हैं, वो सब मदर्थम, वो सब कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना। एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनम, निवेदिनाम, और जो भी इस प्रकार से धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म है, उस सबको
हे उद्धव निवेदित भगवान की संतुष्टि के लगाना, मई संजायते भक्ति, इस प्रकार से भक्ति संचालित होती है। तो इस आधार पे रूप गोस्वामी पाद ने मुख्य मुख्य भक्ति अंगों को 64 भागों में उनको संकलित किया है भक्ति सामृत सिंधु में। तो वो अभी हम यहाँ पर विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, वो आप उसमें से केवल कुछ एक दो पद। गुरुपादाश्रय दीक्षा गुरुरसेवन सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमनम, ये पहले 5 हैं। पहले जो 10 हैं वो हैं विधि जो करने के लिए हैं रिकमेंडेड, और फिर अगले जो 20 हैं वो हैं क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उसमें से फिर 9 आते हैं नवविधा प्राथमिक जो भक्ति के अंग हैं, और फिर उसमें से सबको मिला करके 5 जो हैं वो सबसे अधिक प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं 64 अंगों में से। कौन कौन से? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, ये जो हैं 5 उसमें से प्रमुख हैं। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग कृष्ण प्रेम जन्माय यही 5 अल्पसंग, इन 5 के अल्पसंग से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ये हुआ तत्तत् कर्म प्रवर्तना। अगला है संग त्याग। अभी ये हम कुछ हद तक इसको पहले पढ़ चुके हैं। देखिए दो बार दोनों में ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों में ये आता है, इतना ये महत्वपूर्ण है। वहां पर भी आया ना जनसंग, जनसंग वो छोड़ने में आया, और यहां पर है छोड़ने में ही है, लेकिन इसको मतलब क्या करनी है उसको अंदर भी ये छोड़ने बताया गया है। मतलब साधु संग करना, उसके लिए संग त्यागना ये पहले जरूरी है, तभी साधु संग प्रॉपरली हो पाएगा। क्योंकि ऐसे बताएंगे इसमें आगे कि ये संग त्याग करने के कैसे, संग त्याग कैसे होता है, ये साधु संग से त्याग होता है, अन्यथा हम ये संग त्याग नहीं कर सकते हैं। तो भक्तिवेदांत ठाकुर बता रहे हैं कि जो संग है ये 2 प्रकार का है। एक प्रकार का हमने पहले पढ़ा था, वो है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कि संपर्क में आना एक प्रकार से, और दूसरा है संग का दूसरा अर्थ है आसक्ति अटैचमेंट। तो ये 2 प्रकार का संघ है। तो पहला वो जनसंघ में हमने पहले वाला तो विस्तार से चर्चा की थी, तो उसमें आया था कि अलग अलग प्रकार के हमने जनसंघ देखे थे, है ना, स्त्री से जो आसक्त हैं भौतिकतावादी उनके, और फिर उसके बाद में मायावादी और देवी देवताओं की पूजा करने वाले इत्यादि, बहुत सारे हमने प्रकार देखे थे। और दूसरा है आसक्ति। तो इसमें तो इसमें भक्तिवेदांत ठाकुर एक चेतावनी देते हैं कि यदि ये जो दोनों प्रकार का संग है, यदि कोई व्यक्ति इन संग को करता जाता है तो धीरे धीरे उसकी उस असत संगियों से आसक्ति बढ़ती जाती है, और उसकी उसके बढ़ने से जो परम लक्ष्य में जो दृढ़ श्रद्धा है वो नाश हो जाती है, जिसकी वजह से भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो तो ये जो दूसरे प्रकार का जो संग है आसक्ति, उसके विषय में केवल अभी हम पढ़ेंगे, पहले वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो संग जो है भक्तिवेदांत ठाकुर बता रहे हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक है हमारी जो बद्ध स्वभाव है उसके प्रति हमारी आसक्ति, कई कई जन्मों से जो इस भौतिक जगत में हमने क्रियाएं की हैं इच्छाएं की हैं, उससे हमारा तीनों गुणों के अंतर्गत एक प्रकार का स्वभाव निर्मित हुआ है,
और हम सभी उस स्वभाव के प्रति बहुत अधिक आसक्त हैं। तो ज्ञानी का स्वभाव निर्मित हुआ है कुछ लोगों में, वो तो बहुत कम है। कर्मियों का स्वभाव, विकर्मियों का स्वभाव, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं। हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा आसक्ति है इस स्वभाव। स्वभाव को ही मानते हैं ये मैं ही हूँ, ये यही मेरी वास्तविकता है, अपनी पहचान उसी से बना लेते हैं। इतने ज़्यादा ये कैड़ा है बहुत। तो इसलिए ये एक बहुत जटिल संघ है जिसको निकालने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में ये जो इस प्रकार स्वभाव है, बहुत बहुत मुश्किल हमें होती है अपने स्वभाव को चेंज करना। बोलते हैं ना, हमें अपना स्वभाव बदलने में बड़ी मुश्किल होती है, स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल है, हमारा ये स्वभाव ऐसा है। भौतिक कामनाएं हैं वो एक स्वभाव है अंदर पटल। तो भक्तिवेन ठाकुर कहते हैं एक ही इसका उपाय है, साधु संघ से ही ये वो जो स्वभाव से आ सकती है वो केवल साधु संघ से ही हट सकती है। भौतिकतावादी लोगों के संग करते करते ये स्वभाव और अधिक गलत दिशा में जाता है और वो कटता है केवल साधुओं के संग करने से। इस विषय में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, संगो यह संस्ते हेतुर असत्सु विहितो अधिया स एव साधुसु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। तो असत चीजों से जब संग किया जाता है तो उससे संस्कृति, उससे जन्म मृत्यु का चक्कर प्रगाढ़ होता है, और वही संग यदि साधुओं की तरफ निर्देशित कर दिया जाता है तो उससे जन्म मृत्यु का चक्र कटता है। तो संघ एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहां इसको डाइवर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा हमारे गति में, हमारी डेस्टिनेशन में। तो हमको सबको संग तो करना ही है, अलग तो हम रह नहीं सकते अकेले। तो इसलिए चूज करना है बहुत सावधानी से कि हमें किन लोगों का संग करना है। फिर आगे कहते हैं, न रोधयति माम योगो, भगवान बताते हैं, न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो वृतानि यज्ञस छंदामसी तीर्थानि नियमा यमाः यथावानुरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कहते हैं कि ना मुझे योग से मेरे हृदय को जीता जा सकता है, न सांख्य न धर्म, कैसे सत्संग से मुझे जीता जा सकता है। फिर अन्यत्र बताया है, असद भी सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन। असद भी सह संगस्तु, असत लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। यस्मात् सर्वार्थ हानि स्या, जिससे सभी उद्देश्यों की हानि हो जाती है। अधः पातश्च जायते, और क्या होता है, नरक, अधः पातस। उसके दूसरी तरफ सत्संग करने से उद्धार होता है। उदाहरण मृगारी, वाल्मीकि, नारद मुनि के लवमात्र साधु संग से हम देखते हैं उनको क्या प्राप्त हुआ। रामानुचार्य इस विषय में कहते हैं, यदि अपने प्रयासों से अपने को शुद्ध करने के लिए आप विफल हो चुके हैं, भरसक प्रयास कर लिया आपने अपने को शुद्ध करने का, कुछ गंदगी आपके अंदर आदतें हैं वो निकल नहीं रही, आपने खूब प्रयास कर लिया, तो क्या कीजिए, केवल वैष्णव जो हैं उनके पास जाकर के बैठिए, उससे सब शुभ आएगा। जब हमारा कभी भक्ति में बहुत निम्न अवस्था में हम चले जाएं, चेतना में जप करने को मन नहीं कर रहा है, सेवा करने को मन नहीं कर रहा है, बहुत प्रबल भौतिक इच्छाएं मन में छा रही हैं, उदास हो गए हैं, पूरा उत्साह पूरा खत्म हो गया है, तो क्या किया जाए। तो अगर हम केवल इतना बल जुटा सकें कि हम जो वैष्णव हैं उनके पास जा सकें और उनसे सुन सकें,
तो फिर वापस जो भी हमने खोया था वो सब एक के बाद एक वापस आ सकता है, क्योंकि साधु संघ से, जैसे बताया, साधु संघ आरंभ में और मध्य और अंत हमेशा से साधु संघ महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यदि हमारे भक्ति में हमने सब कुछ लग गया, लगता है कि सब कुछ जैसे छूट गया है, तो कम से कम अगर हम ये चीज को पकड़ के रखेंगे, साधुओं से केवल सुनना, और ये सबसे निम्न स्तर पे है, मतलब सबसे आसान भी एक तरीके से, क्योंकि जप करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, सेवा करने के लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। अभी हमें लगता है कि जप तो क्या है, सोलह माला जप करना तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, जो अभी है, मिल रही है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हरे कृष्ण क्यों बोलना है, हरे कृष्ण कोई क्यों उत्साह मिलेगा, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कुछ बोलना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा, तो ये मुश्किल बात है, लेकिन अगर हम केवल इतना बना पाए कि बस जाना है और सब, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, सो वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग बिग, यू जस्ट कम हेयर इन द टेम्पल, सिट एंड लिसन, ये सबसे पहला मिनिमम, कम से कम इतना कर सकें तो बाकी सब चीज़ एक के बाद एक आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर साधु संघ के प्रति वो अपराध, वैष्णव अपराध वृत्ति आ गई साधुओं के प्रति, तो फिर हम उनसे संग करना बंद कर देंगे, और जब ये संग करना बंद हुआ तो फिर जो भी था वो भी सब खत्म हो जाएगा, और आगे फिर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमने जो मूल था साधु, ये भक्ति का जो जो उसको पोषित करने वाला जो जड़ है, जहाँ से सब कुछ पोषण आता है, वही हमने काट दिया, फिर आगे क्या मिलेगा, हमें कोई संभाल नहीं सकता, कोई कहीं से पोषण आएगा नहीं फिर हमारा। फिर दूसरे प्रकार का जो संघ है वो है, एक तो हो गया स्वभाव के प्रति हमारी आसक्ति, और दूसरा है घर बार, पत्नी बच्चे और एसेट्स, उसके प्रति आसक्ति, ये दूसरे प्रकार का संघ है। एक है स्वभाव, अपने स्वभाव के प्रति आसक्ति, और दूसरा है हमारे जो परिवारजन और धन संपत्ति एसेट्स, उसके प्रति आसक्ति। तो स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग अपने घर और घर वाले, कपड़े, गहने, धन, बच्चों का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, खाने की चीज़ें, कार, यहाँ पर एनिमल लिखा है लेकिन मैं उसको कार बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल एनिमल की जगह कार है ना, बुलक कार्ट की जगह मोटर कार है। तो ये सब चीज़ों के प्रति आसक्ति स्वाभाविक रूप से सबको होती है, और फिर इसके अलावा कुछ लोग स्मोकिंग, पान और मांस, ये सब खाने के लिए आसक्त होते हैं। तो ये सब आसक्तियाँ कैसे जाती हैं, कैसे जाएंगी, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, ये सब आसक्तियाँ भी साधु संघ से जाती हैं। तो भक्तिवेदांत ठाकुर उसमें लिख रहे हैं कि हमने अपनी प्रत्यक्ष आँख से देखा है कि ये सब आसक्तियों वाले लोग जब साधु संघ करते हैं, जिनको मांस खाने में आसक्ति थी उनकी मांस खाने की आसक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसे हम लोग अपने जीवन में भी देखे हैं ना, किसी को आलस है तो ऐसे व्यक्ति के संग में यदि हम रहें जिसको आलस्य नहीं है, जो भी हम अपने दुर्गुणों को निकालना चाहते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं ना भक्त लोग, हाउ 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 टू ओवरकम दिस, हाउ टू ओवरकम दिस, तो महाराज सर बोलते हैं ये सभी प्रकार के हाउ क्वेश्चंस का उत्तर है। जो भी गुण आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं आ पा रहा है और आप चाहते हैं उस गुण को आना, तो जिन भक्तों के अंदर वो गुण हैं उनके आप सानिध्य में रहे तो गुण आ जाएगा। जैसे अव्यर्थ कालत्वम, समय को नहीं गंवाना है, तो जो भक्त के अंदर ये गुण हैं अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनका संग करेंगे, तो आपके अंदर ये गुण आ जाएगा, अपना समय व्यर्थ करने की प्रवृत्ति आप छोड़ देंगे। प्रजल्प करने का गुण है, अवगुण है, तो फिर जो लोग प्रजल्प नहीं करते उनके साथ रहेंगे तो आप चुपचाप हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि है? नहीं, लेकिन वो तो वैष्णव है ना, बड़े उनकी बात हो रही, छोटे मोटे नहीं हम देखते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल जो है ना संघ का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे गुरुकुल में और सब जगह, इसलिए बहुत केयरफुल रहना ये संघ के बारे में, इनसीडियस है। एक समस्या, एक आश्रम टीचर अभ्यर्थ कालत्वम, लेकिन इतने सारे संघ हैं उसके ऊपर प्रभाव नहीं, इसलिए उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके साथ उसके कई सारे और है ना, उसके भाई और चेतना भी, बच्चों की चेतना, वो
ऑफ कोर्स संघ कितना देना है वो हमें भी व्यक्ति को ही सोचना पड़ता है, उसकी जितनी क्षमता है वो उसको विचार करना है। जैसे बहुत सारे शिष्य हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कोई गुरु तो वो भी एक है, वो उसकी तरफ से है, उसकी भी एक शक्ति क्षमता है कितने लोगों को संघ दे सकता है। सो ये संघ, तो इसलिए बहुत चूजी होना चाहिए हमारे को संघ में। किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी वैष्णव से, सबको वैष्णव के रीते हृदय के अंदर सम्मान होना चाहिए। किसी को देख करके अंदर से कहाँ से आ गया, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपकी भक्ति में कभी वो अंकुरित वो बढ़ेगी नहीं। अगर आपको कोई भी वैष्णव को, इवन ये तो वैष्णव छोड़िए, किसी को भी देख करके आपका आपके हृदय के अंदर ऐसे जलन होती है अगर, तो फिर वो भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। मायावादी वो भी एग्जैक्टली तो उस व्यक्ति के प्रति नहीं है, वो तो कृष्णदास है, ये तो अंतकरण में होना ही चाहिए कि ये भी कृष्णदास है। महाराज बोले इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है मेरे लिए, साइबर नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट एक्सेप्शन इन दैट वे, इट्स लाइक मैं बोलते वो कृष्ण बोलते ना क्या है वो मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, गीता बोलते है इसमें क्या है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अद्वेष्टा मतलब वो तो एक इस बात को बताने के लिए वो कितना बड़ा वो अपराध कर रहा है इस बात से, बट प्रिंसिपल इज देयर, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, वो तो है ही। तो हमें क्या कहता, हाँ तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए सबकी हृदय से रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि ये कम से कम भगवान का एक अंश है, वो तो ईर्ष्या ऐसे किसी भगवान अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, और कितनी जगह बताएं किसी से ईर्ष्या और ये तो होनी नहीं चाहिए, सब भगवान के अंश हैं कम से कम, और जो भक्त हैं उनके अंदर वो कम से कम स्वीकार कर रहे हैं भगवान को, बहुत बहुत बड़ा काम है ये भी। हाँ लेकिन हम संग करना मतलब जिनसे हम वो घनिष्ठ संबंध जो छह प्रकार से स्थापित होता है, विशेष रूप से सुनना और मंथन की बात करना, वो बहुत सावधानी से करना चाहिए, वो उनसे करना चाहिए। उसमें एक श्लोक में बताया है ऐसा संग जो हमसे ऊपर के भक्त हैं विशेष रूप से, उनका संग हमारे लिए लाभदायक होता है, उनसे हमें कुछ लाभ मिलेगा। और ऐसे भक्त विशेष रूप से जिनका जिनके अंदर या तो अनर्थ बहुत बड़े रूप में हैं या कुछ फिलोसफिकल उनके अंदर प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, विशेष रूप से जिनके अंदर फिलॉसफी की समस्या है, उनसे तो दूर रहना चाहिए, हृदय में सम्मान करना चाहिए लेकिन दूर रहना चाहिए। सो क्योंकि वो तो उसकी जो जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में है स्वच्छ अवस्था में, वो तो कृष्णदास ही है ना, और वो कृष्णदास की स्थिति उसकी नित्य है, जीव की जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है वो नित्य कृष्णदास की स्थिति है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो भी उसके अंदर है वो आवरण है, वो अज्ञानता है। पर वो द्वेष की वजह से नहीं है, उस आत्मा के प्रति द्वेष नहीं है, पर वो उसकी जो वो उसकी उसकी वृत्ति है उसके प्रति है, और वो भी इसलिए कि उसका उद्धार हो इसलिए है। जैसे भगवान भी जो मारते हैं वो इस प्रकार से नहीं कि इससे द्वेष करके मारते हैं, वो नहीं तो और अपराध करेगा, इसलिए उसलिए है, या तो हम चले जाएं जिससे अपराध करना बंद कर दें, वो इसलिए नहीं है कि अभी उससे द्वेष करना है द्वेष करके उसको मार दो, वो उधर है काफिर उस वाले डिपार्टमेंट में है वो। मार सकते हैं लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं। भगवान किसी व्यक्ति को जल्दी बुला देते हैं ऊपर क्योंकि वो ऐसे कार्य कर रहा है जिससे वो अपराध करेगा, इसलिए भगवान उनको जल्दी बुला देते हैं। ओके, अभी मुझे थोड़ा तीन चार टॉपिक खत्म करने हैं, थोड़ा अभी प्रश्न ही लिए जाएंगे। दूसरा, ये जो आसक्ति हैं घर बार और एसेट्स, ये कैसे और जाती है? एक तो भक्त संघ हो गया, दूसरा भक्ति सेवा की क्रियाओं को करने से, और एकादशी व्रत और इस प्रकार के जो
भगवान के आविर्भाव दिन पर ये सब जो व्रत हैं इनको पालन करने से भी ये आसक्ति कम होती है। तो ये सब जो एकादशी व्रत इत्यादि के जो नियम हैं वो सब हमारी इन आसक्तियों को कम करने के लिए। तो अभी इस विषय में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भक्तिवेद ठाकुर बताते हैं। क्या क्या है वो? वो कहते हैं दो प्रकार की खाद्य चीज़ें हैं। एक है जो जीवन को पोषित करने के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन को पोषित करती हैं, और दूसरी है जो केवल इंद्रियों को संतुष्ट, इंद्रियों को आनंद देती हैं, उनका शरीर को पुष्ट करने में कोई योगदान नहीं है। ऐसे दो प्रकार के टेबल्स हैं। तो उसमें से जैसे अन्न जल वो लाइफ सस्टेनिंग है, वो जीवन का को पोषित करता है, लेकिन मांस पान शराब चाय धूम्रपान ये सब जो है केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इसको ये शरीर को ये जीवन को रखने के लिए बनाए रखने के लिए प्राण को ये नहीं मेंटेन करती हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं जो केवल इंद्रिय भोग के लिए ली जाती हैं वो तो वर्जित हैं, और जो ये चीज़ें हैं जो शरीर का पोषण करती हैं उन्हें भी जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लेना चाहिए। तो जो प्रश्न आया था अत्याहार की परिभाषा क्या है, तो उसमें एक तो मूल परिभाषा है कि जो आधारभूत आवश्यकता ही नहीं, वो केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए है, वो तो वर्जित ही है। तो उसमें आ गया सब जो उद्योग में निर्मित चीज़ें हैं वो तो हमारी आधारभूत आवश्यकता ही नहीं, लिपस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल और आजकल कार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो तो आवश्यकता है ही नहीं, वो तो हमारी द्वारा बनाई गई आवश्यकता है। तो वो आ गया अत्याहार में, वो वर्जित हो गया। और फिर जो चीज़ें पोषित करती हैं उसमें भी फिर हमारी वृत्ति हो कि जितना कम से कम हम उनको ले सकें उतना। तो इस प्रकार से ये दोनों मिला करके अत्याहार को हम समझ सकते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो व्यक्तिगत होगी, फिर पहली वाली चीज़ सब सर्वसामान्य होगी, लेकिन दूसरी वाली चीज़ व्यक्ति टू व्यक्ति अलग अलग करेगी। जो जितना अभी गोस्वामीगण हैं तो वो उतना ही उनको जो शरीर को सस्टेन करने वाली चीज़ें हैं वो उसको भी बहुत कम ग्रहण करते हैं। तो वो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर वो निर्भर, वो अपने अंदर का विषय है, लेकिन अन्य जो हैं वो ये है। तो उसने बताया है कि जिस दिन ये एकादशी व्रत इत्यादि हो तो उस दिन जो ये सेंस ग्रेटिफाइंग वाले आइटम हैं उनको तो पूरी तरह से नहीं लेना है, और जो लाइफ सस्टेनिंग है उनको भी जितना हो सके उतना छोड़ना है, ये उसका सिद्धांत है। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण बता रहे हैं, ये सुनिए ध्यान से। ये सब जो हैं हाँ कि मुख्य जो कोई भी हम व्रत करते हैं उसमें मुख्य धारणा ये है कि भोग करने की प्रवृत्ति को खत्म करना है, ये उसका उद्देश्य है। कोई भी जो हम व्रत ले रहे हैं एकादशी व्रत या कोई भी ऐसे चतुर्मास्य व्रत इत्यादि, इसलिए अगर कोई ये सोचे कि आज फास्ट करेंगे और कल फीस्टिंग करेंगे तो बच्चों ठाकुर हैं ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो भोग तो में वो एडजस्ट कर लिया कि आज त्याग करके फिर कल को उतने ज़्यादा भोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि हमने भोग करने की प्रवृत्ति को उसको हटाएं। तो इस धारणा से उसको करना चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान के आविर्भाव दिन और सब दिनों में हम फेस्टिवल होता है तो उसमें फेस्टिव मूड है, और उसके अंदर भगवान को बहुत सुंदर व्यंजन हम भोग लगाते हैं, तो फिर उसको शरीर अविद्य जाल वाले भावना में स्वीकार करना चाहिए। ओके, फिर वो आगे कहते हैं भक्तिवेद ठाकुर जी, कई बार ये संशय होता है कि आखिर संग लेने का मतलब क्या है और संग छोड़ने का मतलब क्या है। संग लेना मतलब बस साथ बैठ जाना है, और संग छोड़ने का मतलब बस किसी के संपर्क में आते ही वो संग हो गया, ये है। तो वो कहते हैं कि ये जो ददाति प्रतिज्ञाति श्लोक है, तो ये चीज जो है मुख्य रूप से संग होना ना होना इसको प्रभावित करती है, क्योंकि ये छह क्रियाएं हैं ये प्रेम की अभिव्यक्ति है या प्रेम संबंध स्थापित करने की अभिव्यक्ति है।
इसलिए उससे संग बनता है। प्रेमवश किसी को भोजन खिलाना, प्रेम से कोई चीज देना, प्रेम से कोई बात बोलना और प्रेम से उसके हृदय की बात सुनना, वो संग निर्मित करता है। इसलिए भक्तों के साथ में प्रेम पूर्वक ये सब चीजें होनी चाहिए। जो अन्य लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, इस भौतिक जगत में रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो भौतिकतावादी हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है इवन सन्यासियों के लिए कि वो भौतिकतावादी लोगों के संपर्क में ही नहीं आए। इसीलिए, और गृहस्थों की तो बात ही क्या की जाए, इसीलिए यदि हम ऐसे लोगों के संग में आए तो हमें एज ए ड्यूटी, केवल ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, कर्तव्य की बात को, कर्तव्य का विचार रखते हुए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और उसमें भी इनमें से जैसे दान देना, तो जैसे कोई आवश्यकता है किसी नेबर को, किसी बहुत ही ज़्यादा कुछ खाने की, तो हम उसको खाना दे सकते हैं, लेकिन वो एज ए ड्यूटी होनी चाहिए, नहीं कि आउट ऑफ लव। इट शुड बी एज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आउट ऑफ लव मतलब वो फिर संग लेना हो जाएगा, है ना। और लेकिन जो ये है बात सुनना, वो जो है ना गुह्यम आख्याति प्रच्छति, वो तो बिल्कुल प्रेम से कनेक्टेड है, इसलिए गुह्यम आख्याति प्रच्छति वो भक्तों के साथ में ही होना चाहिए। तो मुख्य जो बात है संग लेने में वो है हमारी भावना, कि हम केवल एक आवश्यकता ऐसे बताते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे एज ए ड्यूटी होना चाहिए, और केवल मिनिमम जितना काम से काम है बस केवल उतना, तो फिर वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। और भक्तों से फिर उल्टा होना चाहिए, भक्तों से नहीं, काम से काम रख रहे हैं तो फिर संग नहीं ले पाएंगे, उनसे प्रेम के साथ होना चाहिए। किसी को घर बुलाया है प्रसाद के लिए, तो ऐसा नहीं भाई बच्चे लोग पड़ोसी बुलाना पड़ेगा, चलो आ जाना आप, तो फिर नहीं, वहाँ उल्टा होना चाहिए, वहाँ उसको फिर वो प्रेम से, और बात करना है तो भी प्रेम से, सुनना है तो प्रेम से, वो वहाँ पर फिर वो संग बनता है, फिर वो मदद करता है। करेक्ट। फिर अंतिम पॉइंट भक्तिवेन ठाकुर फिर अंत में लिखते हैं कि इस विषय में जितना कहा गया वो बात बहुत है, बहुत ज़्यादा और कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर श्रद्धा है उनको भगवान बुद्धि देते हैं समझने की, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा बोलने पर समझ जाते हैं, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो कितना भी सुनेंगे वो फिर भी उसको नहीं समझेंगे। इसलिए उपदेशामृत में थोड़ा सा बताया और मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। और तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई लोग हैं उनको वो ये स्ट्राइक नहीं करता है, उसका जो एसेंस है ना वो स्ट्राइक नहीं करता है, उसके ऊपर सही में नहीं आ रहा, ऐसे होता जाएगा उनके लिए, क्योंकि ये जो विषय है ये भौतिक बुद्धि से ग्रहण नहीं किया सकता है, इसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब वो भगवत कृपा से प्रकाशित होती है। तो इसलिए ये सब विषयों को जानने के लिए हमारी सिंसियरिटी क्या है, अल्टीमेटली हम क्या, कितने निष्कपट हैं, कितने गंभीर हैं, वही निर्धारण करेगा कि इन सब चीज़ों के मर्म को हम समझ पाएंगे कि नहीं। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि वो हनी की बॉटल को बाहर से चाटते रहना जैसा हो जाएगा, कुछ से हम कुछ लाभ नहीं मिलेगा हमें, ऐसे रहेगा बस। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।